75,000 की इंडियन रुपीज़ की होटल बुक करी इन्होंने, तो अब मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा रूम है जो उन्होंने मेरे लिए बुक किया, 75,000 खर्चा कर दिया। लुक एट दिस, इट्स लाइक अ टॉय शॉप। तो अभी कार्डियो करके आया मैं 25 मिनट्स, एंड दे ऑल आर सरप्राइज कि भाई अभी कार्डियो क्यों, बिकॉज आई एम नॉट डन येट, इन टू द नेक्स्ट वन, अनाउंसमेंट विल कम वेरी सून, वन स्कूप आइसोलेट। देखो ऑनेस्टली मुझे प्रोटीन पीने का कोई शौक नहीं है, मुझे खाना था कुछ हेल्दी, लेकिन बच गए हैं, 12 बज गए, क्योंकि हम लोग लेट उठे, तो मैंने बोला कि यार अभी कार्डियो करके आया और अभी नीचे जाके कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो कैटाबॉलिज्म में ना चले जाऊँ, इसके लिए एक इसको प्रोटीन पी लेता हूँ आइसोलेट, फटाक से डाइजेस्ट हो जाएगा, फास्ट फास्ट इंटू का मैंगो फ्लेवर, और काप्स के लिए या तो राइस केक खा लूँगा, नहीं तो नीचे जाके फ्रूट्स खा लूँगा, व्लॉग में बताऊँगा। और आज से चालू होगा हमारा चिल मोड, ठंडे पानी में मैंगो, हो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट अ गमी, इट्स बियॉन्ड गमी। और अगर आपने अभी तक के ऑर्डर नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस एंड दिस, गो बाय राइट नाउ। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, 4 अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है, वेट लॉस, अश्वगंधा, स्किन केयर, विटामिन सी। सी यू इन अ बिट। मैंने दुनिया में अलग अलग तरीके के होटल और टॉयलेट देखे, इधर जाने से पहले बता दो, इतना अमेजिंग, पानी बाहर रखता हूँ टॉयलेट में खाने के लिए, इधर आओ भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट है यार। मैं जब बोल रहा था ना कि मेरे को ये होटल बहुत पसंद है, इसके कुछ रीजन है, हर एक चीज यहाँ की फैंटास्टिक है। ये फ्लश, ये स्मॉल फ्लश, इनफैक्ट ये जो बैठते हो ना, ये सीट गर्म होती है, ठंडी होती है, इसकी वहाँ का क्या क्या फंक्शन आते हैं तो मुझे ही नहीं पता क्या है इसमें। एक दिन मैं ऐसे बैठा वहाँ पे, हीटर चालू किया और देखो इसकी सीट गर्म हो रही है, तो ये पूरा इसका, ये जो पूरा रिमोट है ना, ये इसका है, ये देखो स्मॉल फ्लश और क्या फुल फ्लश, ये स्मॉल फ्लश का फुल, इतने में तो अपना फुल फ्लश हो जाता है। और फिर क्या क्या है यहाँ पे, ड्राई भाई, बहुत डेंजर, आधे से ज्यादा चीज तो है ना, अपने पल्ले भी नहीं पड़ी। आई लव दिस होटल फॉर सम रीजन, वरना मैं ऐसे जल्दी तारीफ नहीं करता, जो मैं इनिशियली ब्लॉग में तारीफ कर रहा था या फिर मैं जो स्टोरी पे तारीफ कर रहा था ना, कोई रीज़न था। मैंने तो ऐसा टॉयलेट कहीं, भाई मेरी बॉटल ले लो, मैंने तो ऐसा टॉयलेट कहीं नहीं देखा। क्या आपने अगर देखा है या फिर ये टॉयलेट को क्या बोलते हैं इंडिया में अवेलेबल हो तो बताओ, मैं भी घर में लगाऊंगा। गरम गरम कमोड की सीट पर बैठने का जो मज़ा आता है ना, बस अलग ही चीज़ है। और हम लोग जा रहे हैं नीचे, और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और बहुत सारे कपड़े हम लोगों के जो ऑलमोस्ट, हम लोग यहाँ पे थर्सडे से है और आज है मंडे, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन के कपड़े हो गए। मैंने बोला लॉन्ड्री में देते, तो सिद्धेश ने बोला भाई लॉन्ड्री बहुत महंगी पड़ जाएगी, हाँ इस ये पहले यहाँ पे आ चुका है, मैं भी आया हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था, तो ये पहले यहाँ पे आ चुका है, उसने बोला यहाँ पे कॉइन वाला सिस्टम होता है, तो आप लोगों को बता दो जो सस्ती है, तो पैसे कमाओ पैसे बचाओ, फालतू खर्चा मत करो, खाने पीने पे दबा के करो, रहने पे दबा के करो, बट फालतू खर्चा मत करो, जहाँ पे पैसे बच सकते हो वहाँ बचाओ, सिंपल एज दैट। 2 बैग कब भर के कपड़े हो गए, ये बैग और एक ये बैग, ये बैग में इनके कपड़े, ये बैग में मेरे कपड़े, 2 बैग भर के कपड़े हो गए। इतना लॉन्ड्री में देते तो एक दिन का बिल हो जाता ना, 4 दिन हो गया ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। क्लाइमेट बहुत हॉट है बाहर, शायद लोगों ने जो बोला था ना थाईलैंड में गर्मी पड़ गई बढ़ गई गर्मी, इसके लिए हम लोग हमारी होटल के साथ में एक मॉल है तो वहीं जा रहे हैं, फूड कोर्ट में कुछ खा लेंगे, ये लोग ने कुछ खाया नहीं, मैंने प्रोटीन पी लिया, राइस केक और हनी खा ली, तो ये लोग भी कुछ खा लेंगे, मैं भी हल्का फुल्का कुछ खा लूँगा, और फिर उसके बाद में हम जाएंगे लॉन्ड्री के लिए। ये हम लोग जहाँ रुके वो मॉल है टर्मिनल 21, और होटल का नाम है ग्रैंड सेंट्रल पॉइंट टर्मिनल 21, यानी टर्मिनल 21 मॉल से ही लग के मॉल होटल के अंदर से ही मॉल की एंट्री है। अगर आप लोग कभी आओगे और सुकुमवित में रुकना चाहते हो बैंकॉक में, तो ग्रैंड सेंट्रल पॉइंट टर्मिनल 21 इट्स अ 5-स्टार प्रॉपर्टी, और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, चार्जेस भी इतने हाई नहीं है, आप लोग रह सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। इतने हम लोग ने शूट किए यहाँ पे, लाइफस्टाइल, बॉडी शॉट, स्विमिंग, इन्फिनिटी पूल है यहाँ पे,
इट्स अ वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी, आई लव दिस. मैं तो शायद जब भी आऊँगा आप यहीं रुकूँगा. और जो हमने नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है हमारे, उसकी होटल कल हमारे भाई ने बहुत महंगी वाली बुक करी है. कितने की करी आपने होटल? 75,000 की इंडियन रुपीज़ की होटल बुक करी इन्होंने. तो आप मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा रूम है जो उन्होंने मेरे लिए बुक किया. 75,000 खर्चा कर दिया. लेकिन वो लोकेशन पे हम जाएंगे कल, आज हम पूरा दिन बैंकॉक में ही हैं. और अगर कोई गैस कर सकता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं तो प्लीज़ गैस करिए. मैं भी तो देखूँ आप कितना सही गैस कर रहे. मुझे लगता है यहाँ से सारे फ्लैग ले लेना चाहिए जो जो कंट्री में घूम चुका हूँ, और उसको लगा देना चाहिए ना कि ये जगह जा चुका हूँ, ये जगह जाना बाकी है. बट मेरे को कोई ऐसी एक्साइटमेंट रहती नहीं है. और एक से ही और सस्ते 100-120 यानी 100 बोले तो 250 रुपया ना लोखंड वाले में, इससे महंगे मिलते. महाराज हाँ जी. अरे आगे भी है, पीछे मस्त लग रहा है. पीछे मस्त लग रहा है लेकिन आगे भी है तो बड़ा हो गया आपका. ले लेता हूँ कभी कभी यूज़ कर लूँ. ठीक है. मैं जब कवर यूज़ करता हूँ ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से लेते हो कवर. बट इट इज़ जस्ट, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कोई भी अच्छा कवर दिखता है मैं 2-4 उठा लेता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी काम आएगा. 1-1.5 साल तो फ़ोन यूज़ करते ही हम. ओके दिस टू एंड डू यू हैव फॉर अरे हाउ मेनी ऑफ दिस? 2-3 है ना, ये 2 मोर है, ये 2 महीना से मेरी यूज कर. तो ये 300, 600, 800, 900 कमॉन, आई टुक सो मेनी. ओके दे दो उसको 900. सिद्धेश भाई हमारे बड़े नाराज़ हो रहे कि मैं क्यों आईफोन यूज़ नहीं कर रहा. वो एंड्रॉइड लवर है. एंड्रॉइड लवर आईफोन लवर. आईफोन लवर टीम में एंड्रॉइड होना ज़रूरी है, काम आता ज़रूरी है. आईफोन नहीं कर सकते वो एंड्रॉइड ही कर सकते. चलो बहुत लाइटर है तो भी लकड़ेगा है ना भाई. फोटो के लिए एज एन एक्सेसरीज यूज़ कर सकते बट ये चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक. थैंक यू. कोई अच्छा ले लेते ना, पहले खाना खा लेते, लोगों को भूख भी लगी होगी. मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है. मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा शॉपिंग पे, बिकॉज जो हम लोगों की नेक्स्ट लोकेशन है वहाँ के लिए जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट का लगेज अपना जो मुंबई से यहाँ का था और वो लोकेशन से मुंबई का, उससे 10 किलो का डिफरेंस है ईच टिकट. और अपन ऑलरेडी 8 किलो ऊपर है. तो यहाँ पे शॉपिंग पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो थोड़ा हाथ रोक लेना. और तुम रिकॉर्ड कर रहे हो सब? वाह करो करो, सब रिकॉर्ड करो, कुछ भी काटेंगे नहीं, सब दिखाएंगे. हबीबी वेलकम टू इस्तांबुल. क्या स्मेल आ रही है. अब मुझे समझ में आया कि इसका नाम टर्मिनल 21 क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस्तांबुल अराइवल डिपार्चर सैन फ्रांसिस्को स्ट्रीट. ये अराइवल एट सैन फ्रांसिस्को स्ट्रीट, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. क्या दिमाग चलाया चलाने वाले. पूरे मॉल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कोई जापानीज रेस्टोरेंट, कोई सिंगापुरियन रेस्टोरेंट, कुछ समझ में नहीं. ये लेबनीज रेस्टोरेंट समझ में आ रहा है बाय बेरूत, इसका मतलब यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि हलाल मिलेगा, इन लोग को भी अच्छा खाना मिलेगा, समझ में आएगा. और लेबनीज फूड्स आर ऑलवेज बेस्ट, हेल्दी भी रहते हैं क्योंकि ग्रिल 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 रहता है. व्हाट इज दिस? आराइश. दिस इज ऑरेंज जूस. What is this? Hummus with? Hummus with shawarma. Hummus with shawarma meat. Shawarma. And this is pita bread. Wow. Thank you so much. आजकल महाराज भी फोटो वोटो लेने लग गया. पहले कभी मैंने आज तक के महाराज को नहीं देखा फोटो लेते हुए, बट जब से थाईलैंड आया महाराज भी दबा के ये खाने का फोटो, ये टुक टुक का फोटो. झूठे झूठे. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं अपने आप को हेल्दी रखूँ, हेल्दी खाना खाऊँ. इसके लिए मैंने ग्रिल मंगाया, ये मैं टेस्ट करूँगा खाली, और हमूस और ये थोड़ा सा टेस्ट करूँगा बाकी.
I will have only and only grill to stay and maintain the shape because बहुत कुछ आने वाला है. We are not done yet. और बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट के अंदर में हम बैठे हैं और अपने आप को नसीब वाला समझ रहे हैं कि परवरदिगार ने ये मौका दिया कि ऐसी जगह पे आके इतना अच्छा खाना हमें नसीब हो रहा है. अल्लाह का करोड़ों एहसान है और मैं दुआ करता हूँ आप लोगों जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो. आप लोग भी बहुत इज्जत कमाएँ, शोहरत कमाएँ, पैसा कमाएँ, अपनी फैमिली और अपने साथ वालों के साथ में अच्छी अच्छी जगह जाए, अच्छा खाना खाए और बहुत बहुत सक्सेस मिला आपको. तो खाना खाने के बाद में मेरे को एक्चुअली एक कॉल आ गया था तो मैं चला गया था कुछ काम से और सिद्धेश और महाराज जाके लॉन्ड्री करके आए. लॉन्ड्री की फुटेज इन लोग ने डाली है तो इन्होंने लिए ली थी ना थोड़ी सी ली थी ना तो वो डाल दिए कि कैसे लॉन्ड्री होती है. आई एम श्योर उन लोग ने अच्छी ली होगी. और अब हम आ गए, मैं होटल आ गया था मेरा काम पटा के और ये लोग अभी आए होटल और अब हम सोच रहे जिम जाने का, है ना. जिम जाते, वर्कआउट करते बिकॉज द जर्नी इज़ नॉट ओवर. बहुत बहुत मेहनत करनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट करना है. चीज़ों जो हो गया वो हो गया लेकिन क्या सही है, क्या गलत हुआ, क्या मेहनत करनी चाहिए उस पे काम करना है. आज शाम में मेरे ख्याल से आई विल स्पीक टू माय कोच अगर वो फ्री रहेंगे तो, एंड देन आई विल डिस्कस कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए और जैसा गुरु बोलेंगे हम वैसा करेंगे. फिलहाल रेडी होते जिम जाने के लिए. तो बड़ा मस्त है यार यहाँ पे, क्या दिखता है. मैं इधर से जहाँ हिलने का मन नहीं कर रहा है. सोचो लोग बोल रहे हैं कि यार इधर घूमो उधर घूमो, मैं बोलता हूँ 2-0 आगे पीछे घूमो फिरो. नहीं मजाक कर रहा हूँ, हम घूमेंगे लेकिन कल से घूमेंगे. आज इतना कुछ प्लान, आज हम लोग ने एक्चुअली ये दिन, ये जो 28 का डे है ना वो हम लोग ने एकदम एक्स्ट्रा ही रखा था कि भाई हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे बिकॉज मुझे पता था मैं और ये लोग बहुत ज़्यादा थकने वाले. हम लोग चिल कर रहे लेकिन जिम जाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एवरी सिंगल सेशन काउंट. आज सुबह में कार्डियो किया मैंने, खाने में भी मैं अच्छा खा रहा हूँ और जिम जाना भी ज़रूरी है. अब देखना है गुरु का क्या प्लान है, उसके बाद प्लान के हिसाब से हम करेंगे चीट मील. तो महाराज तो फाइनल गिव अप कर दिया, बोले भाई तुम तो खा रहे नहीं हो, मैं ही खा लेता हूँ चीज़ की. खाओ खाओ मजे खाओ. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं खाना है, इट्स जस्ट कि मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही खाने की. मैं खाऊँगा, मेरा दिल करेगा तो मैं खाऊँगा और जब मैं डेजर्ट खाता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता. मैं यही तो मेरी माइनस पॉइंट है, लेकिन मैं खाऊँगा अभी नहीं, जब दिल करेगा तब खाऊंगा, अभी दिल नहीं कर रहा है, एक्साइटमेंट नहीं हो रही है. अभी व्लॉग देख रहा हूँ, व्लॉग रिलीज करना है ना आधे घंटे में. जिम के लिए रेडी हो गए. वैसे तो जिम बहुत सारे आसपास में लेकिन यहाँ का एक एथलीट है जो थाईलैंड प्रो जीता टीटी करके, उसका एक जिम है बूस्ट फिटनेस जो बहुत फेमस है. तो उसने 2-3 बार मुझे बोला कि प्लीज़ जिम पे आना जिम पे आना. तो यहाँ से कुछ आधे घंटे का रास्ता है. कितने किलोमीटर है? 29-30 किलोमीटर के आसपास है. तो कॉफ़ी पी के जाएंगे जिम और करेंगे थोड़ा लाइट वर्कआउट बिकॉज दिल कर रहा है यार. और स्टारबक्स तो है लेकिन मुझे पता है कि इसको फ्रेंच वनीला पिलाना है टीम हॉटन्स का, लेकिन अभी स्टारबक्स पी रहे. मे बी रात में या कल सुबह में बिफोर वी गो फ्रॉम हियर. वी विल नॉट गो इंडिया, विल गो समवेयर एल्स. व्लॉग तो डेली आते रहेंगे, बहुत टाइम है, देखते रहिए. ये जो जिम है बूस्ट फिटनेस, ये एक एथलीट का जिसका नाम है टीटी, जो कल थाईलैंड प्रो का चैंपियन बना और उसने मुझे बोला कि प्लीज़ विजिट करना. लुक एट द फैसिलिटी मैन, ऐसा लग रहा है पूरा ग्राउंड लेके बना दिया है. थैंक यू, थैंक यू. तो ये कार्डियो जो है थोड़ा, आई एम अज्यूमिंग कि इतना है. एकदम रॉ है और मॉडर्न वे में रॉ को बनाया, सुपर वे. You guys will love it.
look at this. It's like a toy shop. Amazing. नहीं ये क्या है ये फरारी ड्राइवर्स ट्रेनिंग मशीन भाई वो पावर लगता है ना उसमें वो उसकी भी ट्रेनिंग होती है हाँ तो तुमको पता नहीं था मैंने देखा था यूट्यूब में उसके बाद आप देखो वाह यानी ये पहली बार मैं तो जिम में देख रहा हूँ कि ऐसा फरारी ट्रेनिंग तो इसके अलग जिम होंगे ना हाँ उनका अलग ट्रेनिंग होता है अच्छा ये जो पावर यहाँ पर सेटल कर सकते हैं सर ये उत्तरी अच्छा वेट लगा के सुपर यार ये कुछ रिमोट दिया है मेरे ख्याल से कुछ चलता होगा बट ये फर्स्ट टाइम फंस गया मैं हेलो कोई है बचाएगा इतना पढ़ा लिखा हूँ बहुत घूमा हूँ यूएस में ओ भाई साहब बड़ा ही मज़ेदार वर्कआउट हुआ लाइट एंड बहुत ही मज़ेदार हुआ है देखो कितना मस्त लाउंज है कभी परवरदिगार ने मुझे नवाजा तो मैं भी एक ऐसा जिम खोलूँगा मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा जिम है जो कहीं पर भी मुझे मेरी नॉलेज बता रहा हूँ जैसे कि गोल्ड जिम वेनिस है तो लोग अमेरिका जाते हैं जो बॉडी बिल्डर है तो वेनिस जिम जाते हैं या ईस्ट कोस्ट में जाते हैं तो बेब्स फ्रेंचाइज न्यूयॉर्क में जाते हैं पावर हाउस में तो जैसे कुवैत जाते हैं तो ऑक्सीजन जिम जाते हैं दुबई जाते हैं तो बीनियस जाते हैं ऐसा इंडिया में एक भी जिम नहीं है जो आप इंडिया आओ या फिर इंडिया के लोगों की भाई एक बार वहाँ जाके वर्कआउट करना है मेरी नॉलेज में तो नहीं है मैंने तो अभी तक नहीं सुना है बस परवरदिगार से दुआ है कि कुछ हमारे पास भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो हम भी एक ऐसा जिम खोले एक ऐसा लैंडमार्क बने कि हिंदुस्तान में बाहर के लोग भी आए तो बोले आई वॉन्ट टू सी दैट जिम होएगा एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा ड्रैगन फ्रूट वाइट वाइट इनसाइड वो रेड कैसा दिखता है रुपए जानवरों का फ्रूट बोल रही है जब तुम्हें ड्रैगन फ्रूट बोला तो वाटरमेलन क्यों दे रहे थे चीचा आप ओ चीचा ओ सुनते इग्नोर मार रहे ऐसा जब पे जितने ये वाला होता है बहुत रेड ड्रैगन फ्रूट भाई देखो बैंकॉक में थाईलैंड में एक चीज बढ़िया है अभी तक कि मैंने वो नहीं पिया है कोकोनट बोलो वाटरमेलन बोल रहे सॉरी माय मिस्टेक आई ईट हंगरी आई एम हंगरी वेरी हंगरी यू ईट हंगरी आई भूख लगा है मेरे को भूख लगा है माय इंग्लिश गॉन फॉर टॉस मेरी बीवी भी ब्लॉग देखती है तुम्हारी तो कुछ हुई नहीं है ना होने के चांसेस है इसकी बीवी और मेरी बीवी दोनों ब्लॉग देखती है ये लो आप बूम बूम की जरूरत क्या है जब ये बाजू में बैठा है धीरे धीरे कर रहे कर दो प्रमोशन प्लीज गाइस यू नो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले मेरे को इंट्रोड्यूस तो करने दो ये आ गए मेरे चैनल वीडियो में घुस के ऐसे थोड़ी ना चलता है प्रमोशन अरे लेकिन पहले इंट्रोड्यूस तो करने दो कि हमको वैशाली मिली ओह वाओ वैशाली ओह माय गॉड ये ऐसा कुछ एडिट तो हो जाएगा आगे पीछे एडिटिंग ये लड़की का यूट्यूब चैनल है बड़ी मेहनत कर रही है जी इसके चैनल को सब्सक्राइब करो क्या नाम है आपके चैनल का वैशाली बोयर मैं इनका चैनल का पूरा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में डिफिकल्ट नहीं हो क्या 15-20 फेक चैनल भी होंगे ना फैन पेज ये वो हमारे कैमरे के पीछे लड़की होने हो जो मिलने आ रही तुमको भाई मेरे कैमरे के पीछे ना मिरर लगा है ये आदमी को है ना मैं अभी वैशाली खड़ी है फोन कर भाई कोई नहीं ही वांट्स टू गो टू बूम बूम अरे मैं बोला भाई तुम जाओ तुम तो कुआरे हो तुम तो कर सकते हो जो करना है यू नो मेक श्योर वेयर अ मास्क वी आर जस्ट लुकिंग नो वी आर ओनली अलाउड टू लुकिंग ओनली लुकिंग ना मैं तो वो भी अलाउड नहीं है मैं तो देखो तो कैप्शन बन जाता है
एक्साइटमेंट देख रहे मेरे होटल पे पहुंच गए लोग मेरा प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए, क्योंकि अभी तक के 2 बजे अभी तक के बोले इंडिया जाएंगे ऑर्डर करेंगे, अभी तो यहाँ पे रहेंगे लोग, घर और बचाएंगे यहाँ पे, एक दो चार बच्चे पैदा करेंगे है ना। तो मैंने वैसे तो हमारे 4 फ्लेवर है, एक है आशु, 4 सेगमेंट है अश्वगंधा विटामिन सी स्किन केयर एंड वेट लॉस। तो स्किन केयर मैंने इनको ट्राई किया, अब ओंकार के लिए मैं स्पेशल देखो जैसा देश वैसा भेस, जैसा इंसान वैसी गोली आपको वेट लॉस के लिए। मैंने वेट चेक किया मेरा अभी बिफोर और अभी खाने के बाद। अरे ऐसा इतनी जल्दी नहीं होता कुछ भी, इतना थोड़ी ना माचिस की कांडी और ये कचरा अंदर गया जल गया। होनकर पूरा डब्बा खा जाएगा एक्चुअली। द बेस्ट पार्ट ये मैंने ऑलरेडी एक खत्म किया, ये इतना यमी है कि आप जस्ट खाते जा सकते हो। ये भी ट्राई कर सकते हो अश्वगंधा, ओंकार का स्ट्रेस आपको रिलीज करने में मदद करेगा। अरे मैं स्ट्रेस लेती हूँ, स्ट्रेस देती हूँ। सच में वेरी यम्मी है, ट्राई दिस नो। पब्लिक हैप्पीली खाएगी, नहीं तो क्या। अरे दिस इज गोली खा खा के बोर हो गए। दिस इज इन द डिमांड, हम लोगों का एक लॉट आया है और हम लोगों ने सेकंड लॉट का ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया। जो फ्लेवर्ड है ना, I'll be very very honest, इसके लिए नहीं मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे सामने है, but flavor है ना वो एकदम settle है और उसमें chemical का बिल्कुल भी taste नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बताओ, our gummies are sugar free, sugar free, vegan friendly, gelatin free, gluten free, 100% natural, sugar free, India's first gummy which is sugar free in fitness segment। Surprise भी बता दो, surprise ये है कि बहुत जल्दी new product तो अब हुए हैं हम फ्री और कर रहे हैं थोड़ी सी पैकिंग, बिकॉज कल हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको पता चल जाएगा हमारे पहुंचने पे। कहाँ जा रहे और कुछ ईमेल्स वगैरह चेक कर रहे ऑनलाइन क्लाइंट्स के, वो भी काम बहुत ज़रूरी है, पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है और सोना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑलरेडी बन गए बज गए 3:30 सुबह 9 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं तक रखते, कल से नया व्लॉग चालू करेंगे। दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का बात बिल्कुल मत।